एक एक मौलवी कई कई हजार मौलवी खाए बैठा। जिएगा कितने शाम, जिएगा कितने सुबह, जिएगा कितना कमाएगा, कितना उठाएगा, कितना खर्च करेगा, सब लिख दो। अगर अल्लाह ने लिखा भूखा मरेगा तो खाने का अंबार लगा हो मगर मरेगा भूखा, खाने का अंबार लगा हो मगर मरेगा भूखा, समझ रहे हैं? और अल्लाह ने लिखा खा के मरेगा तो चाहे पूरी दुनिया उससे खाना छीन ले, पूरी दुनिया की ताकत उसे भूखा नहीं मार सकती, खा के मरेगा। आज तकरीर नहीं हो रही है, तुम्हारा ट्यूशन क्लास दे रहा हूं मैं, खा के मरेगा। बहुत से लोगों के जहन में ये खुराफात आ गई है कि एक नंबर से तो मालदार होने दे, दो नंबर का काम शुरू कर, तू दो करो तो तीन नंबर का कर ले, तू चार का कर ले, दस नंबर का कर ले। अल्लाह ने अगर नहीं लिखे अमीर तो अमीर नहीं होगा, धक्के देंगे। अगर अल्लाह ने तेरी उसमें धक्के लिखे तो दस नंबर का कर ले, और अल्लाह ने तेरी किस्मत में अमीरी लिखी है तो पंचर की दुकान लगा ली, अल्लाह उसी में दे देगा तुम्हें। अरे अल्लाह ने लिखा वो तो मिलकर रहेगा, नहीं बात समझ में आ रही? और समझा दूं, एक इंची का पाइप है, ठीक है, उसमें पानी आ रहा, अब ज्यादा करना तो प्रेशर ज्यादा लगा दो, पानी ज्यादा आ जाएगा, है उतना ही सुरा, मगर पानी प्रेशर तेज होगा तो ज्यादा आगा तो नहीं आगा। चाहे तेरा कारोबार छोटा, अल्लाह बिक्री ज्यादा करा देगा। कहते कि इस काम में बड़ी आमदनी, हम भी यही करेंगे, जरूरी है तुम्हारा यही चल जाओ, उसका चल जाए तेरा ना चले। और ये जो ये कमा रहा है ना इसी काम में, अगर ये और काम भी करेगा कमाएगा जब भी इतना ही, बेशक बेशक। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने लिखा आज की किस्मत में, नहीं बात समझ में आ रही? अल्लाह ने लिख दिया तो मिलकर रहेगा, कोई दुनिया की ताकत, दुनिया तो दुनिया, पूरी दुनिया आ जा रोक ले ना रोक सकती। अब तुम बताओ कैसे, तुम तो इंसान हो, सोचते हो, कमाते हो। कुछ कीड़े तो पहाड़ों में ऐसे हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ना कारोबार है, ना बिजनेस है, ना तिजारत है, ना दुकान है, ना मकान है, लेकिन अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं मारता, खिलाता है। बोलो 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 भाई, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है उनकी किस्मत का? पहाड़ के अंदर आप जमीन खोदो, जमीन में कितने तरह के कीड़े निकलते हैं बताओ? कोई कारोबार है उनका जमीन में, कोई दुकान है उनका, कोई तिजारत है उनका, कोई बिजनेस है उनका, मगर अल्लाह उन्हें भी भूखा नहीं मारता। क्या वो दो नंबर का कारोबार कर रहे हैं? क्या वो दो नंबर का धंधा कर रहे हैं? नहीं, उनका कोई धंधा ही नहीं है, उनका एक ही धंधा है, भूख लगी तो अल्लाह खाना देता है। सीपी देखिए, सीपी बंद होती है, आज मैं तुम्हारा ईमान पुख्ता करके जाऊंगा इंशाल्लाह। सीपी, उसके अंदर एक कीड़ा होता है, सीपी में ऐसे बंद होती है, ऐसे इस तरीके से उसमें कीड़ा होता है, ठीक है, कहीं से रास्ता नहीं, ना आने का ना जाने का, इनकमिंग आउटगोइंग बंद, अल्लाह उसे भी भूखा नहीं मारता। जब यार इन जानवरों को अल्लाह भूखा नहीं मारता तो तेरे तो कारोबार है, अल्लाह तुझे कैसे भूखा मार देगा? फिर क्यों चक्कर में पड़ा के दो नंबर का करूं, दो नंबर का एक ही नंबर रहने देना, मिलेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया है। ना दो नंबर करके तेरी जिंदगी बढ़ रही है, ना तेरी दो नंबर करके सेहत बढ़ रही है, ना दो नंबर करके तेरा खाना बढ़ रहा है, ये मेरी गारंटी है। करोड़ों कमाले, कितने कमाले खागा वही जो अल्लाह ने लिख दिया। अब तुम कमा लो, करोड़पति बन जाओ, अल्लाह ने ऐसा मर्ज दे दिया नहीं खा सकते, मिठाइयां रखी हैं देखने नहीं खाने, ऐसी बात ऐसे मर्दों को तला खाना नहीं खा रहे। अभी डेंगू हो गया, डॉक्टर ने कह दिया मुझे, अभी टाइफाइड हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया अब भाई गोश्त मत खाना, ये मत खाना, मन के या अल्लाह तूने मेरी किस्मत से उठा लिया इतने दिन के लिए, जब तक बीमार देखे नहीं, क्या पैसे की कमी है, कदमों में पड़े देख लो, मगर भाई खाऊंगा वो जो अल्लाह खिलाएगा। है बता की करा के नहीं है तो मेरे भाई खाओगे वो जो अल्लाह खिलाएगा। वो तो लोग मौलाना ना बुलाते, हाफिज जी ना बनाते अपने बच्चों को, क्या करेंगे, कमाएगा कहां से, जो हाफिज जी मौलाना खा जा तेरा डॉक्टर ना खावा। मेरी बात गलत है, ये अल्लाह खिला रहा भाई, अल्लाह खिला रहा है, ये तेरी मेरी ताकत नहीं है, और आगे पीछे घूम रहे ये अल्लाह खिला रहा है। तुम ये सोच रहे हो कि भाई मैं ये करूं, मौलवी नहीं बनाऊंगा, हाफिज नहीं बनाऊंगा,